live once again to share my knowledge about this respiratory system वायरस, इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस, एक वायरस जिसने हम सभी को लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया है, हमें डरा के रखा हुआ है। लेकिन हम नारा यही लगा रहे हैं कि हमें इस वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। तो किसी से भी अगर हमें लड़ना हो तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? किसी से लड़ने के लिए पहले उस दुश्मन की हमें कमजोरियों को देखना पड़ेगा, उसमें क्या वीकनेसेस हैं, और अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो किसी वायरस से, किसी बीमारी से, किसी बैक्टीरिया से बचने के लिए हमें अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ये जो वायरस है, हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर रहा है, और जिसकी वजह से लोगों की जो है कैजुअलिटी हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम क्या गवर्नमेंट की वेट करते रहें कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी? ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया कि अगर कोई हम पे हमला कर रहा है तो हम वेट कर रहे हैं कि हमें बचाने के लिए कोई आएगा। तो सोल्यूशन ये है कि हमें खुद लड़ने के काबिल बनना है। तो आज कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ जिस जो कि आपके लंग्स के लिए हैं। दोज एक्सरसाइजेस आर अ पार्ट ऑफ प्राणायाम। वो सुबह और शाम को आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। इनको करने से आपके लंग्स जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, और जिन लोगों को जैसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, या जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं फ्यूचर में, अगर उनके लंग्स जो हैं स्ट्रांग हैं तो वो इस वायरस से लड़ सकते हैं। तो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो योगा में करवाई जाती हैं। ब्रीदिंग हमारे लिए बहुत मेन है, हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस ही नहीं करते। अगर हम 10 से 15 मिनट अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है कि आपने नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, डीप ब्रीदिंग, स्टोमिक तक। आप एक हाथ चेस्ट पे रख लें, एक आप अपने पेट के ऊपर रख लें, और ब्रीद इन करते टाइम माइंड में काउंट करना है 1 2 3 4 5, और एक्सहेल करते टाइम भी आपने 1 2 3 4 5 काउंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ये आप 1 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जितना भी आपके लंग्स में जो है वो एयर जा सकती है उतनी आपने फिल करनी है, और जो चेस्ट का लेवल है और टमी का लेवल है वो इक्वल प्रोपोर्शन में आपका फिल हो, ठीक है? दोनों चीजें जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो बाहर को निकलनी चाहिए, फूलनी चाहिए, और जब आप ब्रीद आउट कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो अंदर जानी चाहिए, ठीक है? इसके बाद आ जाता है अनुलोम विलोम, जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। जिसको कैसे करना है, आप इस तरह से फिंगर्स का बना के, ठीक है, नोज को बंद किया, इसको भी आप 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, जिस साइड से आपने ब्रीद इन किया दूसरी साइड से निकालना है, और फिर उसी साइड से इनहेल करके फिर उसको बंद करके दूसरी साइड से निकालना, फिर इनहेल करके फिर एक्सहेल, दिस इज अ प्रोसेस। और इसके बाद आ जाता है कपालभाति। कपालभाति कई लोग अलग तरह से करते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। इसमें क्या करना है, आपने सांस लेना नहीं है, सांस बाहर निकालना है, राइट? सांस जब आप बाहर निकालेंगे तो अंदर अपने आप ही जाएगा। तो इसको जो लोग हाई बीपी के पेशेंट है वो स्लो मोशन में करें, अदरवाइज आप इसको कर सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है। कैसे करना है, सांस बाहर को फेंकना है, इसके
इसके बाद एक एक्सरसाइज है जिसको कुंभक कहते हैं। कुंभक में क्या करना है, आपने 5 की काउंटिंग ही करनी है। 5 की काउंटिंग करके जब आप इनहेल कर रहे हो 5 काउंटिंग करोगे, फिर सांस को 5 सेकंड तक रोकना है, फिर एक्सहेल 5 सेकंड में करना है, और फिर एक्सहेल करने के बाद रोकना है 5 सेकंड के लिए। इस तरह से ब्रीदिंग करनी है। अभी काउंट आप मन में करेंगे, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं करके। फिर एक और ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हैं, जिसमें आप अगर नोज से, पहले स्टेप में आप नोज से इनहेल करेंगे, लेकिन जो एक्सहेल करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, वो मुंह से करना। तो इस स्टेप को आप 5 to 10 टाइम रिपीट कर सकते हैं। अब इसका रिपीट करेंगे, मुंह से इनहेल करेंगे और नोज से एक्सहेल करेंगे। अब रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर डेली आप मेडिटेशन में अपनी आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल मोड में। दैट टू यू कैन डू इट फॉर 1 to 2 मिनट। आंखें बंद की, कुछ नहीं सोचना, अपनी सांसों पे फोकस करना है, अपने चेस्ट पे फोकस करना है और सांस लेनी है, और ये महसूस करना है कि आप में एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हेल्दी रख रही है, और आप हेल्दी है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना हुआ है जो आपको हर तरह के वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये ऑरा जो है आप इसको एक्सपैंड करके अपने पूरे फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सिटी, सबको प्रोटेक्ट करने के लिए विजुलाइजेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव करते हैं, अगर हम मेडिटेशन, योगा और ये प्राणायाम, इनको अडेप्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। अब आ गई बात, जो लोग जो हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हो रही है, उनको क्या करना है, उनका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोगों से शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी हेल्प भी किसी की जान बचा सकती है। तो सबसे पहली बात के जो लोग जो है ऑक्सीजन की स्टॉकिंग कर रहे हैं कि कहीं हमारे घर में इमरजेंसी ना हो जाए, वो इसको स्टॉक ना करें। ऑक्सीजन जो है वो आईसीयू के पेशेंट्स या इमरजेंसी वाले पेशेंट्स के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम उसका स्टॉक कर रहे हैं, तो जो बंदा डेथ बेड पे है उस तक वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। सेकेंड थिंग, हम जो ब्रीद कर रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, क्या हम ऑक्सीजन सांस से अंदर लेते हैं कि एयर लेते हैं? तो आंसर ये है कि हम एयर लेते हैं, ना कि प्योर ऑक्सीजन। प्योर ऑक्सीजन में कि अगर हम ब्रीदिंग करेंगे, तो वो भी डेथ कॉज कर सकती है, वो बहुत हार्मफुल है हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, तो जो हम एयर जो है नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा होती है, कुछ परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और गैसेस भी होती हैं। तो इनहेल करने पे ये सारी गैसेस अंदर जाती हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज एन एनर्जी, और उसके बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारी बॉडी से जो है मैक्सिमम मात्रा में बाहर निकल जाती है। दिस इज द प्रोसेस। तो हमें एयर की जरूरत है, ना कि ऑक्सीजन की। किसी भी पर्सन का अगर जो है ऑक्सीमीटर से आपका लेवल जो है 86 से बिलो जा रहा है, नॉर्मली डॉक्टर 90 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 86, चलो 90 भी लगा लो, अगर 90 से बिलो जा रहा है, तो प्रोन वेंटिलेशन प्रोसेस, प्रोन पोजीशन में आपने लेटना है। प्रोन पोजीशन क्या होती है? प्रोन पोजीशन बहुत ही सिंपल तरीका है, आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन पोजीशन के बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे।
मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं कि अगर हमें ब्रीदिंग लेने में दिक्कत हो रही है, तो अगर हम उल्टा लेट जाएं, ठीक है, अपनी छाती के बल, तो उसमें हमारे जो है लंग्स की कैपेसिटी जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा हो जाती है। इसी को प्रोन पोजीशन कहते हैं। तो जब भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो तो उस पेशेंट को आपने उल्टा लेटा देना है। जब आप उसको 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक उल्टा लेटा के रखोगे, उसके बाद ऑक्सीमीटर से आप उसकी ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे तो आप देखोगे कि उसको बहुत फर्क हो रहा है। सेकेंड थिंग, हम अब एयर ले रहे हैं और जो जिस बंदे के लंग्स वीक हैं या वहां पे इन्फेक्शन है या वहां पे जो है रेस्पिरेटरी वाला वायरस बैठा है जो कि ब्रीदिंग और फेफड़ों को काम करने से रोक रहा है, तो हम उसके जो है एयर उसके नोज के पास अगर रखें तो वहां से उसके लिए लेना आसान हो जाता है। तो इसके लिए हम एक जो डिवाइस आती है जिससे डॉक्टर्स निम्बुलाइज करते हैं, वो अगर हम यूज करें विदाउट पुटिंग एनी मेडिसिन, तो उसके थ्रू जो एयर आएगी तो वो बिल्कुल आपके नोज के पास आएगी, तो पेशेंट को वहां से एयर लेना आसान हो जाएगा। सपोज कर लो निम्बुलाइजर भी नहीं है, तो आप घर में अगर पेडेस्टर फैन है तो उसके सामने थोड़ी देर ऐसे करके बैठना है, थोड़ा सा टेढ़े होके। आजकल तो चार्जेबल फैंस आ रहे हैं, छोटे पोर्टेबल यहाँ पे भी रखे जाते हैं, तो उसकी एयर भी आप पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उसके जो नोज के पास में फ्रेश एयर ज्यादा। और कभी भी उसको क्लोज रूम में नहीं रखना, क्लोज रूम में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, फ्रेश एयर हो जहाँ पे उसकी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आती है। मैंने ये वीडियोस देखे हैं कि जो पेशेंट सांस लेने में जिनको दिक्कत हो रही है उनको वो सीधे बिठा के उनकी पेट पीठ को मल रहे हैं, ये नहीं करना, उसके बदले उसको उल्टा लिटाना। तो दीज आर सम स्टेप्स विच कैन हेल्प पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डेंजरस वायरस। ओके, और हम सबने मिल के एक दूसरे की सहायता करनी है, अपने परिवार की सहायता करनी है, और इससे बच के रहना है, इससे बचते हुए अपने आप को सरवाइव करवाना है, अपने सारे काम करने हैं। छुप के बैठना तो लड़ना नहीं माना जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें छुप के बैठना ही सिखाया जा रहा है कि बाहर वायरस है, अंदर छुप के बैठ जाओ, अंदर अर्थक्वेक आया तो बाहर चले जाओ। तो डर के हम किसी से लड़ नहीं सकते। बीमारी की प्रॉब्लम को समझो, उसकी वीकनेसेस को समझो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और इम्यूनिटी को बढ़ाओ। लोगों को पॉजिटिव न्यूज दो इंस्टेड ऑफ गिविंग द नेगेटिव न्यूज। लोगों को ये बताओ कि बहुत सारे लगभग 90% जो है लोग वो ठीक हो रहे हैं, और मीडिया का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो मत देखो। उससे क्या हो रहा है कि आपके माइंड में एक डर क्रिएट हो रहा है। आपका जो माइंड जैसा क्रिएट करता है आपकी बॉडी वैसा ही रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है। तो एक नॉर्मल फ्लू भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है अगर आप डरे हुए हो। फ्लू से बच के रहो, फ्लू का ट्रीटमेंट फटाफट करो, उसको बिगड़ने मत दो, उसको नॉन सीरियसली मत लो, मजाक में मत लो। कॉमन कोल्ड भी हो रहा है तो उसका इलाज आप घर पे कर सकते हो। हल्दी का सेवन बहुत अच्छा है, हल्दी अदरक खाओ, शहद खाओ, ये बहुत अच्छे हैं। सिट्रस जूस पियो जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, नारियल पानी पियो। तो इसी के साथ इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। जो छोटी बहुत मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करके आई वॉन्ट के उससे अगर किसी को फायदा हो जाए।